बिहार, बिहार का लास्ट ऑफ बिहार। बिहार में आप बहुत इंजॉय कर रहे थे, बिहार में कुछ इंजॉयमेंट आपका क्या देगा, हो गया इसका बिहार का। बिहार के जनजातियों की समस्याएं और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइब्स ऑफ बिहार। सबसे पहले हम इसमें प्रश्न को लिख लेंगे, बिहार के जनजातियों की समस्या और उनका समाधान में प्रश्न लिखिए, और उसके बाद हम उसका उत्तर ढूंढेंगे। जैसे बहुत जटिल प्रश्न नहीं है, लेकिन जो भी प्रश्न है प्रश्न का फॉर्मेट पता रहेगा, उसका उत्तर देने में आसान होगा। बिहार की जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या है? बिहार के जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या है? What are the main problems of tribes of Bihar? उनके समाधान के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए? उनके समाधान के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए? बिहार की प्रमुख जनजातियों का वितरण, उनकी समस्याएं, तथा समाधान का विवरण लिखने कौन? जनजातियों के सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर चर्चा कीजिए तथा उनके समाधान की उपाय सुझाइए। सामाजिक आर्थिक समस्याओं की चर्चा कीजिए तथा उनके समाधान
के उपाय सुने थे। बिहार में जनजातियों का अनुपात तो कम है, बिहार में जनजातियों की संख्या का अनुपात तो कम हुआ है, किंतु उनकी समस्याएं कम नहीं हुई, किंतु उनकी समस्याएं कम नहीं हुई। ये जनजाति क्या होती है, जनजाति क्या होती है और अनुसूचित जनजाति क्या होती है, अनुसूचित जनजाति क्या होती है, क्या दोनों में अंतर है या दोनों ऐसे करके लिख सकते हैं। इंग्लिश नहीं करना है, इंग्लिश नहीं करना है, इसका अंतर बताना लिटरली क्या अंतर होता है। जनजाति किसको कहते हैं, अनुसूचित जनजाति या दोनों एक ही कारण है। संविधान के अनुसूची में जो शामिल किया गया है जिस किसान जाति को इसको जनजाति, जनजाति में कोई जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसा जनजाति है जो संविधान में अनुसूची में शामिल किया गया। जनजाति कहेंगे किसको, जनजाति जो यहाँ का प्रतिनिधित्व जो वास्तविक रूप से यहाँ का निवासी सामाजिक आर्थिक रूप से पीछा हुआ है उसको मान्यता सरकार अपने अनुसार देता है, ग्रामों में होंगे, शहर में नहीं है, अपना एरिया तो वही होगा, वही होगा, शहर में चले जाएगा तो जनजाति नहीं रहेगी। चलिए इसका सामाजिक शास्त्र में, सामाजिक शास्त्र के अनुसार क्या है, जनजाति को कहते हैं यह वैसा परंपरागत समाज वाला
परंपरागत सामाजिक व्यवस्था वाला ऐसा समूह है जो अपनी पहचान उस समाज के आधार पर ही देती है, जिसकी पहचान उस सामाजिक आधार पर ही होती है। अर्थात यह एक सीधे तौर पर कहेंगे कि यह एक परंपरागत समाज वाला होता है, यह एक समूह है, यह एक समूह है, यह एक कैसा समूह है, यह एक सामाजिक समूह है, ऐसा सामाजिक समूह है, इसका समाज परंपरागत समाज वाला सामाजिक सामाजिक समूह, जो गैर परंपरा, जो हम लोग यानी गैर ये हैं, वो इस कैटेगोरी में परंपरागत समाज से बाहर आ सकते हैं, शिक्षित समाज होते हैं, अन्य प्रकार के समाज होते हैं जिनमें डायनामिज्म है, ये अभी भी मूलतः परंपरागत समाज वाले हैं। दूसरी बात जो यह एक सामाजिक जनजाति क्या है, एक सामाजिक समूह है, यह सोशल ग्रुप जिसकी अपनी सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक विशेषताएं होती, निर्जातीय विशेषताएं होती, इट इज ट्रेडिशनल सोसाइटी। सेकेंड वन, इट इज सोशल ग्रुप, इट इज डिफाइंड एज ए सोशल ग्रुप, कुछ है ट्रेडिशनल सोसाइटी, दो सोशल ग्रुप कुछ है ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड हैज इट्स ओन कल्चरल सोशल इकोनॉमिकल एंड इथिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज ट्राइब्स, उसको जनजाति को। जनजाति शब्द के लिए यदा कदा आदिवासी या वनवासी शब्द भी प्रचलित है, आदिवासी या वनवासी शब्द भी इसके लिए कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं, जनजाति न कहकर आदिवासी कह देते हैं या वनवासी कह देते हैं। अब इसमें आ जाइएगा तो इसमें इस आधार पर देखेंगे तो भारत में सैकड़ों ऐसे समूह होंगे जिनका परंपरागत होगा, भले चार आदमी का समूह हो, छह आदमी का समूह हो, उन जनजातीय समूहों सामाजिक समूहों में से कुछ समूहों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। जिन जनजातीय समूहों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है अर्थात सरकार अपने अनुसूची में, कौन सी अनुसूची है, कुछ शेड्यूल ठीक है, अभी लोगों को याद होगा पांचवा शेड्यूल कर रही है, छठा में कुछ और कर रही है, ठीक है, पांचवा या छठा जो भी है जब अनुसूची में, संविधान के अनुसूची में पांचवें तथा छठवें अनुसूची में जिनका उल्लेख किया गया है, यानी नाम है, सरकार समय समय पर अनुसूचित जनजातियों की को अपनी अधिसूचना के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा संशोधित करती रहती है, बढ़ाती रहती है, संशोधित इसकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है, बढ़ोतरी होती रहती है समय समय पर, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, वर्तमान में करीब करीब 645
करीब करीब 645 अनुसूचित जनजातियों का भारत में समूह, अनुसूचित जनजातियों का भारत में समूह। इनके दलित वो पिछड़े होने के कारण कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। कुछ जनजातियां इसमें आएंगे, कुछ जनजातियां कुछ विशेष नोटिफाइड क्षेत्र में ही रहती है। उस विशेष नोटिफाइड क्षेत्र जिसको कहते हैं अधिसूचित क्षेत्र, जैसे अभी टॉप की बात आप लोग कर रहे थे, उस अधिसूचित क्षेत्र में रहती है। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो कुछ खास अधिसूचित क्षेत्र में रहती हैं। वो उनके लिए नोटिफाइड है, जैसे नागा कुकी का अपना नोटिफाइड किया है, इस क्षेत्र में नागा ही रहेंगे, इस क्षेत्र में कुकी ही रहेंगे। कभी भारत में संथाल पर बिहार में ही था, संथाल परगना मुख्य रूप से यहाँ पर नोटिफाइड एरिया संथालों का था, उसके आधार पर नाम हुआ। अभी भी नोटिफाइड एरिया मतलब उस जनजाति के अभी भी जो गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियां हैं नोटिफाइड एरिया, क्योंकि इन इन जनजातियों का नोटिफाइड एरिया है। गारो का जो एरिया है, गारो पहाड़ी जो है गारो का एरिया है, गारो जनजाति का एरिया, उस नोटिफाइड एरिया के उस जनजाति के आधार पर ही उस एरिया का भी नाम रख दिया गया। भारत की जनजातियां अलग अलग निर्जातीय समूह की है, अलग अलग निर्जातीय समूह की है। कितनी ग्रुप अलग अलग होता है, कितनी सिटी या कितनी ग्रुप, इसका अलग अलग होता है। भारत की इतनी सिटी से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय इतनी सिटी, निर्जातीय से क्या मतलब है आपका? इससे पहले क्या था कुमार जी, इससे पहले कुछ ऑप्शनल रखे हुए थे जो रखिए था, निर्जातीय सबसे क्या मतलब है, इतनी सिटी इतनी सीसी शब्द से मतलब है यह मानव के मानव निर्जातीय समूह का मतलब है, मानव निर्जातीय समूहों का जो मादक मानव की विशेषताओं कुछ शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जो विभिन्न ग्रुप में बटे हुए हैं उस ग्रुप से यदि आते हैं तो उस निर्जातीय समूह का बोलते हैं। इसके आधार पर उसके शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मुख्य रूप से शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानवों को कुछ समूहों में बांटा गया है। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर शारीरिक विशेषताओं का आश्रय तो है सबको, यदि मानव मानव जातीय समूह का हाथ पैर मुंह का नाक आंख पैर होगा सब पर, लेकिन उसके अनुसार रंगों में उसके लंबाई में यानी शारीरिक गठन में लंबाई से है शारीरिक गठन में लंबाई चौड़ाई को शारीरिक गठन में लाते हैं, शारीरिक गठन में बाल के रंगों बाल के प्रकार घुंघरा लाल सीधा तो है ना, रंगों प्रकार नोक नेजल इंडेक्स होता है, पढ़े हैं नहीं पढ़ा है, नेजल इंडेक्स नासिका सूचकांक होता है नेजल इंडेक्स, उसके आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट भेद है, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत तो करना ही है, लेकिन सब ज्यादा डिटेल में पढ़ता है एंथ्रोपोलॉजी का। कपाल के आधार पर फोरहेड, कपाल मतलब फोरहेड, कपाल चौड़े हैं लंबे हैं, आंख के आधार पर आंख के रंगों के आधार पर
के आधार पर, कोठों के आधार पर डिजोल और खंडन विजातीय संबंध। चेहरे की लंबाई चौड़ाई के आधार पर, चेहरे की लंबाई चौड़ाई के अनुपात के आधार पर, लंबाई चौड़ाई के अनुपात के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का समूह, उसमें भारत में जो प्रजाति निजातीय समूह है, भारत की जो निजातीय समूह है, भारत को जनजातियों के, भारत के जनजातियों के तीन प्रमुख रूप से तीन समूहों में बांटा गया है। भारत के जनजातियों को तीन समूहों में बांटा गया, तीन समूहों में बांटा गया, प्रमुख तीन समूह अनुसूचित जनजाति वह होगा जिसका इस शेड्यूल में नाम, हम जनजाति हमारा टॉपिक यहाँ पर है, यह इसका एक ब्रांच होगा। सब जनजाति जरूरी नहीं है अनुसूचित जनजाति, अभी आया था पीछे से, सब जनजाति कोई जरूरी नहीं है, सरकार इसको नोटिफाइड करते, सरकार जिसको नोटिफाइड करेगा वही अनुसूचित जनजाति, अर्थात सीधा का मतलब वही आरक्षण का या अन्य सरकारी सुविधाओं लेने के पात्र होंगे, जो सरकार के संविधान में होगा वही ना। ऐसे भी कई जनजातियां होती जो सरकार अनुसूचित नहीं की है, लेकिन वो पारंपरिक समाज है, उन अपने सामाजिक विशेषताएं हैं उसकी, लेकिन सरकार ने अनुसूचित नहीं किया। हो सकता है कि मेरी अभी इशू आया था बिहार में एक जनजाति के संदर्भ में, हम लोग का टॉपिक बिहार भी है, बिहार में यही इशू आया है अभी भी, कल परसों भी पेपर में आया है बिहार में अनुसूचित जनजाति के संबंध में, जनजाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में आया है, कल परसों भी तो आया नहीं पढ़ती हो पेपर, मसला पुराना था अभी फिर से उठा, मसला पुराना नहीं, लोहार जनजाति, लोहार के संबंध में एस टी में कर दिया था जिससे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, सरकार ने उसे एससी जनजाति में करने का था और उसी के संबंध में इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए लोहार को, लोहार, लोहार को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए फिर से संसद में बात उठाई गई थी, रमा देवी याद की है ना सांसद, उनके द्वारा संसद में बात उठाई, उसी संबंध में बात आया लोहार जनजाति के संबंध में। तो सरकार इसको क्या कर रही है, अधिसूचित नहीं कर रही है, मान्यता नहीं दे रही है, देन इट विल नॉट, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एससी में नहीं, एसटी में, एसटी में शामिल किया था, वही इशू था, एसटी को शामिल को एससी ने खारिज कर दिया, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट हम लिखे हैं, एससी लिखे हैं तो ये मत समझ लीजिए एससी मतलब हम सुप्रीम कोर्ट लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, एससी का मतलब ये मत समझिएगा, अभी नहीं ध्यान दिए हम लोग एससी एसटी के विवाद में पड़ते हैं, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया। तो ये लोहार के संदर्भ में, तो ये इशू बिहार के संदर्भ, अच्छा कहने का मतलब ये है कि सबको सरकार अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं कर ले, और सरकार का अपना क्राइटेरिया हो सकता है, अपना क्राइटेरिया हो सकता है, यदि सबको शामिल सरकार जैसा मनमाना पसंद से नहीं करेगी, संवैधानिक रूप से करेगी तो मनमाना पसंद नहीं, कुछ क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया को हो सकता है कि मैं भी फुलफिल नहीं कर रहा हो, जिसके आधार पर उसके मन को नहीं माना। तो हमारा कहने का यहाँ पर है जितने जनजाति होंगी वो सब अनुसूचित जनजाति नहीं हो, यानी हर हमेशा दिस टर्म इज बिगर देन नंबर ऑफ दिस इज बिगर देन दिस, समझे मैथ की भाषा में, मैथ की भाषा में समझ गए ना, नंबर ऑफ दिस इज ऑलवेज मोर देन नंबर ऑफ दिस, हर हमेशा इसकी संख्या अधिक होगी मैथमेटिकली,
कई सारी जनजातियां होंगी, उसमें से सभी को सरकार नहीं शामिल कर सकती है। सरकार के कुछ खास क्राइटेरिया पर जो खड़ी उतरती हैं उन्हीं को शामिल, लेकिन मोस्टली शामिल हो जाती है कुछ ही। ये भी प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकल बात, जो अधिकतर शामिल हो जाते हैं। क्लियर है? तो अनुसूचित जनजाति हमेशा जनजाति के लिए नहीं संबोधित कीजिएगा, एग्जाम में फ्लो में लिखते लिखते हर हमेशा अनुसूचित जनजाति जनजाति के लिए नहीं संबोधित कीजिए। आपका टॉपिक भी जनजाति है, ये ब्रॉडर टर्म वाला आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक अनुसूचित जनजाति नहीं है। ज्योग्राफी में हम जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति के बारे में उसका पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन में उसका काम आएगा, वो उस दृष्टि से बस एडमिनिस्ट्रेशन में काम। बट इन ज्योग्राफिकली दिस इज ठीक है, लोहार को रखा, लेकिन यह मसला चल गया सुप्रीम कोर्ट, कहे ना एससी ने, तो एससी ने उन क्राइटेरिया पर जिन क्राइटेरिया में संविधान ने डिसाइड किया होगा, संवैधानिक रूप से डिसाइड है, जैसे संविधान में कानून की सरकार नहीं बनाई हुई है, अब होगा तभी जब संविधान में संशोधन हो, उस क्राइटेरिया में चल जाएगा तभी वह कुछ हो सकता है या शामिल हो जाए, इसके लिए संविधान संशोधन। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर यह जनजाति नहीं उतरी होगी या लोहार नहीं उतरा होगा, जिसके आधार पर एससी ने इस बात को खारिज कर दिया, तो आपको नहीं शामिल किया जा सकता है, इस समूह में आपको शामिल नहीं किया जा सकता, समझे? अनुसूचित जाति क्या होती है और जनजाति क्या होती है, पर हमेशा लिखना है आपको, फोकस करना है जनजाति, क्योंकि आपका टॉपिक जनजाति है, ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, निग्रोइड्स दूसरा है मंगोलॉयड और तीसरा है द्रविड़ियन द्रविड़ियन को भूमध्य सागरीय भी बोलते हैं, मेडिटेरियन भी बोलते हैं, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन भी बोलते हैं। तीन जनजातीय समूहों में बांटा गया, ठीक है? निग्रोइड्स बिहार में नहीं मिलते, बिहार में मुख्य रूप से यही जाते हैं, बिहार में मुख्य रूप से यही दोनों प्रकार की जनजातियां मिलती हैं। मंगोलॉयड्स भी, देर आर टू टाइप्स ऑफ मंगोलॉयड्स, मंगोलॉयड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेलियो मंगोलॉयड्स, मुख्यतः बिहार की जनजातियां में यह सबसे ज्यादा है, टेलियो मंगोलॉयड्स एंड अनदर वन इज तिब्बतो मंगोलॉयड्स, तिब्बती मंगोलॉयड्स, दो प्रकार के टेलियो मंगोलॉयड्स एंड तिब्बती मंगोलॉयड्स। बिहार के तराई क्षेत्र की जनजातियां मुख्यतः तिब्बतो मंगोलॉयड्स, बिहार के तराई क्षेत्र की जनजातियां मुख्यतः तिब्बतो मंगोलॉयड्स हैं, तिब्बतो मंगोलॉयड्स हैं। जबकि राज्य के दक्षिणी पठारी क्षेत्र की अधिकांश जनजातियां या तो द्रविड़ियन हैं या टेलियो मंगोलॉयड्स,
या तो द्रविड़ियन है या फिर कैलियो मंगलवर्ड है। जातियां या तो द्रविड़ियन है या पैलियो मंगोलॉयड से। पैलियो मंगोलॉयड दो प्रकार का, तिबेटो एंड पैलियो। पैलियो शब्द का होता है पूरा मंगोलॉयड, प्राचीन मंगोलॉयड। और तिब्बत का होता है तिब्बतन मंगोलॉयड। बिहार की जनजातियां प्रायः ऑस्ट्रियो एशियाटिक समूह की भाषा बोलती है। ऑस्ट्रियो एशियाटिक एशियाटिक समूह की भाषा बोलती है। ऑस्ट्रियो एशियाटिक हाँ भाषा, लैंग्वेज का समूह है। लैंग्वेज का समूह है, इसमें कई सारे लैंग्वेज आते हैं। ये भाषा का समूह है, समूह की भाषा है। ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा बोलती है। जी जी ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप। बिहार में करीब करीब 30 से अधिक जनजातियां कही जाती हैं, किंतु 30 लेकिन सरकार ने इसमें 30 को ही अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी। जो बिहार की प्रमुख जनजाति वो अनुसूचित जाति भी जो जनजाति भी है वो इस प्रकार लिखिए। 300 का नाम, 300 का नाम लिख लीजिए। यही बिहार की प्रमुख जनजाति भी होगी। असुर जनजाति और हाँ, जो जितने जनजाति में से जनजाति सबको लगभग अधिक किया है, आधे द्वार द्वार तक छूट गया है, जिसको छूटा है। बिहार की प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ निम्न है। लिखे बिहार की जनजातियाँ निम्न है, बहुत फर्क नहीं है। जब मयूर में जाएंगे तब लोग असुर बैगा सब अनुसूचित जनजाति का डोरिंग है। बिहार का बैगा, बंजारा, बेदिया, बंजारा बेदिया, वेद से हो गया वेदिया। बहुत अरब लिखा है, रीजन लिखा था वेदिया। भूमिज भूमि से जुड़ा हुआ है, उसको भूमि कहते हैं। बिछिया बिरहोर बिरजिया बिरजिया
चेर या चेरू, चेरो या चेरू, चेरो या चेरू, चिकी बराइको, चिकी बराइको, सभी बहुत कम संख्या है, चिकी बराइको, हाँ, चिकी, इंग्लिश में लिख देते हैं, चिकी बराइको, चिकी बराइको चिकी बराई को, चिकी बराई को, गोंड प्रमुख जाति में क्या है? गोंड, गोंड, G-O-N-D, गोंड, G-O-N-D, गोंड, गोराइटो, गोराइटो, गोराइटो हो, हो, करमाली, करमाली, इनोदर ट्राइज़ करमाली, खड़िया, KHARIA, खड़िया, खड़कार खरवार कोंधो इसकी संख्या कम कोंधो कोंधो KONDHO कोंधो किसान तो क्या संख्या आ रहा किसान कोरास कोरास किसान 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 कोरास कोरबा इसकी भी संख्या बहुत कम है कोरबा बहुत कम संख्या है ओरिजिनली छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या लोहार इसी के आधार पर उसका दावा है लोहार बट दैट लोहार इज नॉट दिस लोहार देयर इज डिफरेंस लोहार की यह प्रजाति है गोंड गोंड है गोंड जा होता है बर्निया करे गोंड बन जाए ना किसी का वहाँ हम लोग सात परसेंट काम करते हैं गोंड कहाँ देखे गोंड को पहले देखे हाँ ये सब हो रहा है ये लोहार कुछ ना होगा हाँ ये लोहार उसको बरेजिया कुछ लोहार उसको लिखता है लोहार को बेचार और लिखता है लेकिन इस लोहार को महली महली माल पहाड़िया माल पहाड़िया माल पहाड़िया मुंडा मुंडा ओड़ाओ ओड़ाओ संथाल दिस इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स इन बिहार इज संथाल सौरिया पहाड़िया एंड सावरी सौरिया पहाड़िया सौरिया पहाड़िया सौरिया पहाड़िया हिंदी में लिखने क्या
सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया एंड लास्ट वन इज सौरी, सौरी लास्ट वन इज सौरी। सौरिया पहाड़िया अलग अलग है सर? हाँ सौरिया नहीं एक साथ है, सौरिया पहाड़िया सौरिया पहाड़िया जो और पहाड़िया था माल पहाड़िया, पहाड़िया की ही दोनों वैरायटी है, पहाड़िया है ना तो पहाड़िया की दो वैरायटी, पहाड़िया की बिहार में दो वैरायटी है, एक सौरिया पहाड़िया और एक माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया एक माल पहाड़िया वो था पहाड़िया। कुरास लिखे हैं? कुरवा कोई छोटा देख के बता दें। इन जनजातियों में, इन जनजातियों में सबसे प्रमुख जनजाति राज्य की संथाल, इन जनजातियों में सबसे प्रमुख जनजाति राज्य की संथाल संथाल के बाद उड़ाव तथा खरवार जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। संथाल के बाद उड़ाव तथा खरवार की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। वर्ष 2001 में एक के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल, बिहार में कुल जनजातियों की संख्या 2001 2011 में आया संख्या तो आया लेकिन इसके जनजाति के बारे में डिटेल नहीं है। 2000 इसलिए अधिकांश विश्लेषण जो है 2001 के आधार, 2011 में आंकड़ा कितना है वो आया है वो भी नहीं मिला है, मिला ये भाई नहीं। 2001 के अनुसार बिहार में जनजातियों की कुल जनसंख्या 7,58,351 था, जो 2011 में बढ़कर 7,58,351 था, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का, राज्य की कुल जनसंख्या का, राज्य की कुल जनसंख्या का 0.9% है, राज्य की कुल जनसंख्या का 0.9% थी 2011 में। 11 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनजातियों की कुल संख्या करीब 13,57,000 है, करीब 13,57,000 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 1.2% होता है। वहाँ 8,00,000 जनसंख्या थी, यहाँ 10,00,000 जनसंख्या हो गई है ना, इसका मतलब 0.3% की वृद्धि हुई है 10 साल में, 13,57,000
जो कि करीब 0.3% की एक दशक में वृद्धि को दर्शाता है। 0.3% वर्तमान में यानी 2022 राज्य में एक अनुमान के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या करीब 15 लाख है। जनजातियों की जनसंख्या करीब 15 लाख है। राज्य की ये जनजातियां मुख्यतः तीन क्षेत्रों में फैली हुई। कौन कौन सा क्षेत्र है? सीमांचल का क्षेत्र दक्षिणी पठारी वो पहाड़ियां तराई क्षेत्र बिहार में जनजातियों का प्रमुख वितरण क्षेत्र बिहार में जनजातियों का प्रमुख वितरण क्षेत्र दक्षिणी पठारी वो पहाड़ियां पहाड़ी दक्षिणी पठारी वो पहाड़ी राज्य में सीमांचल सबसे प्रमुख आदिवासी जनजाति जनसंख्या का क्षेत्र है। सीमांचल के चार जिलों में कटिहार पूर्णिया में सर्वाधिक जनजाति की कुल आबादी का प्रतिशत रखती है। जनजाति के आबादी का प्रतिशत रखती है। बिहार के कुल जनजाति के आबादी का 6% बिहार की कुल जनजातीय आबादी का
बिहार की कुल जनजातीय आबादी का 6% कटिहार जिले में है। कटिहार जिले में इसका कुल जनजाति का अर्थात और जो फिगर दिए थे ये थे ना, ये फिगर कितना लाख का, 13 लाख का या 2001 की जनगणना का, ये क्योंकि ये सारा विश्लेषण 2001 के जनगणना, क्योंकि ट्रैक्स वाइज कहीं नहीं मिला, ट्रैक्स वाइज कहीं नहीं है, तो यह ट्रैक्स वाइज जो विश्लेषण है वो 2001 के आधार पर बिहार के संबंध में ट्रैक्स वाइज 2011 के जनगणना के अनुसार कहीं नहीं मिला। तो वो 8 लाख की बिहारी कुल जनसंख्या उसमें से करीब कितनी थी टैक्स की, 8 करोड़ बिहार की जनसंख्या थी ना 2001 में, लगभग 7 लाख, उस 7 लाख का 6%, उस 7 लाख का 6% कटिहार में, पूर्णिया में करीब 5%, इसी तरह सीमांचल के अन्य जिलों अररिया हो किशनगंज में भी, अररिया हो किशनगंज में भी 4% के बिहार की कुल जनजातियों का प्रत्येक जिला में किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर बोथ नो कंबाइंड प्रत्येक जिला में, जबकि 4% अन्य जिले अररिया तथा किशनगंज, दो ही बचाना, 4 जिले में से में दोनों में 4-4% रखते हैं। जनजातियों की संख्या के दृष्टि से दूसरा प्रमुख क्षेत्र दक्षिण बिहार का है। जनजातीय दृष्टि से, जनजाति की संख्या के दृष्टि से दूसरा प्रमुख दक्षिण बिहार का क्षेत्र है, दक्षिण बिहार का पठारी व पहाड़ी क्षेत्र है, या दक्षिण बिहार का। दक्षिण बिहार में सर्वाधिक इसकी संख्या जमुई जिले में राज्य की कुल जनजातियों का 4.8% थी। जो कि पूरे राज्य में कटिहार के बाद दूसरा जमुई, हाँ पूरे बिहार में, संपूर्ण बिहार में कटिहार के बाद दूसरा परसेंटेज होगा ना, पूर्णिया है 5% का है, एग्जैक्टली लिखना है तो लिखो, एग्जैक्टली कटिहार में है कुल बिहार के जनसंख्या का 5.9%, इसलिए 6% हमने लिखाया था इसीलिए 6% लिखाया था। कटिहार में है, पूर्णिया में है करीब 4.8%, 4.8%,
4.8% इसलिए 5 महीने में खा गया। अच्छा जम्मू का भी 4.8 4.8 ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट कैसे बोल तो सेकंड लार्जेस्ट नहीं है कैसे बोलेंगे अब बताओ नहीं है कैसे बोलेंगे रुक करो रुक करो ठीक है मान लेते हैं नहीं है कैसे बोलेंगे उसका कारण ना। अब फ्रैक्शन में आएगा तो ऊपर नीचे हल्का हो गया होगा ना उसके बाद का फ्रैक्शन देखेंगे उसके बाद जो फ्रैक्शन ऊपर नीचे होगा यही ना जवाब देती इसके बाद दक्षिण में दक्षिण बिहार में इसके बाद बांका का स्थान है जहां करीब 4.7% राज्य की आबादी जनसंख्या का रखती है राज्य की आदिवासी जनसंख्या का रखती है चंपारण क्षेत्र सीमांचल वाला में लिख लीजिएगा सीमांचल वाला में लिखिएगा यहां की सबसे प्रमुख जनजाति संथाल है सीमांचल वाला में लिखिएगा यहां की सबसे प्रमुख जनजाति संथाल है बंजारिया सीमांचल की प्रमुख जनजाति संकटापन्न जनजाति असुर तथा बंजारिया प्रमुख है पंजारिया वही दक्षिणी जो पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति उड़ाव चेरू खड़िया भूमिज संथाल
संथाल गोंड, हाँ संथाल तथा गोंड है, संथाल गोंड आदि है। अब लिखिए तराई क्षेत्र, लिखो तराई क्षेत्र के अंतर्गत चंपारण सबसे प्रमुख जनजाति का क्षेत्र है। जाने से कल सवेरे आए हैं, हम भी नहीं हो पाता है टाइम से, कोशिश कर छोड़ देते हैं, पता नहीं चला जल्दी टाइम का, अच्छा समझाने में ज़्यादा लग गया था शुरू शुरू में आकर के 15-20 मिनट आधा घंटा उठी है, तो भी लोग ऐसा करके उठना उठी है, सुबह करवाने के लिए लोग तो निकलवाते रहो, लोग दोनों को रोकना बनता रहेगा, उसको रोको तो उठते आओ। चंपारण क्षेत्र में, चंपारण क्षेत्र में चंपारण क्षेत्र को बिहार की प्रसिद्ध जनजातीय क्षेत्र के आधार पर विशेष उप क्षेत्र थरुहट है। चंपारण क्षेत्र में जनजातियों का विशेष क्षेत्र थरुहट है, THERUHT, थरुहट है, थरुहट है उपक्षेत्र, थरुहट है। यहाँ की जनजाति, यहाँ की प्रमुख जनजाति थारू, चेरो, गोंड, वेदिया आदि है, बेदिया आदि। थरुहट की जनजातियाँ, थरुहट की सबसे प्रमुख जनजाति थारू है, थरुहट की सबसे प्रमुख जनजाति थारू है। इस क्षेत्र की जनजातियाँ मुख्यतः तिब्बती मंगोलॉयड प्रजाति की है, जनजातियां मुख्यतः तिब्बती, यहाँ लिखा है ना तिब्बतो मंगोलॉयड, तिब्बती मंगोलॉयड नृजातीय समूह की है, इसे लिखिएगा तिब्बती मंगोलॉयड नृजातीय समूह की है, नृजातीय समूह की है, नृजातीय समूह की है, इसलिए ग्रुप है। राज्य की 86 प्रतिशत जनजातियां राज्य की 86% जनजातियां, केवल 7 जनजातियां केवल सात है, ये है संथाल, 7 हैं संथाल, उड़ाव, मुंडा, हो, खड़वार, संथाल, उड़ाव, मुंडा, हो, खड़वार, खड़िया तथा भूमिज, संथाल, उड़ाव, मुंडा, हो, खड़िया तथा भूमिज।
संथाल मुंडा उड़ाव मुंडा हो खरवार खड़िया तथा भूमि खरवार और खड़िया अलग अलग है खरवार खड़िया अलग अलग है कटिहार जिले में सर्वाधिक मुंडा की आबादी है मुंडों की आबादी है कटिहार जिले के सबसे ज्यादा मुंडा की आबादी मुंडा मुंडा की आबादी है जो कि जिले के कुल जनजातीय आबादी का 70% जनजातीय आबादी केवल उड़ाव की है राज्य में खरवारों की सर्वाधिक जनसंख्या खरवार प्रमुख जनजाति है तीसरी राज्य की प्रमुख जनजाति खरवार है खरवारों की सर्वाधिक जनसंख्या भोजपुर जिले में गोंड जनजाति सीवान के अतिरिक्त भोजपुर और कैमूर जिलों में भी काफी संख्या है जनजातियों का न्यूनतम प्रतिशत शिवहर जिले में राज्य में जनजातियों का न्यूनतम प्रतिशत शिवहर जिले में जहां मात्र 0.01% जनजातियां रहती हैं यानी 1/100 स्नेहा 0.01 का क्या मतलब हो गया कुल राज्य की आबादी को जनजाति आबादी को 100 मानेंगे तो 1 रखती है 100 में 1 ठीक है। इसके बाद दरभंगा तथा खगड़िया जिला का प्रत्येक जिलों में हो गया खत्म है प्रत्येक जिला में 0.03% दरभंगा खगड़िया दोनों प्रत्येक जिला में 0.03% कौन जाते हो 1 जाते हो 3 जाते
कौन ज्यादा हुआ बोलो जोर से।